प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पिछली कक्षा में हम छंदों के विषय में पढ़ रहे थे और उस दौरान हमने पढ़ा कि छंद दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से मात्रिक छंद और वर्ण भेद, यानी कि जिन छंदों के अंदर वर्णों के आधार पर रचना की जाती है, छंद का निर्माण किया जाता है, उन्हें हम वर्ण वृत्त कहते हैं। और जिन छंदों में या जिन श्लोकों में मात्राओं के आधार पर उस श्लोक या छंद की रचना की जाती है तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राओं के विषय में भी हमने जाना कि मात्राएं दो प्रकार की होती है, लघु और गुरु। लघु मात्रा कहाँ पर होगी और दीर्घ मात्रा कहाँ पर होगी, इसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक जाना। गणों के विषय में हमने समझा और आज हम आज से आपके पाठ्यक्रम में जो प्रचलित छंद है उनको लक्षण और उदाहरण सहित उनको देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं आर्य छंद। देखिए आर्य छंद जो है मात्रिक छंद है, अर्थात इसके अंदर चरणों की गणना मात्राओं के आधार पर होगी। तो सबसे पहले इसका लक्षण देखते हैं। देखिए हमने ये भी जाना कि प्रत्येक श्लोक के अंदर चार चरण होते हैं, चाहे उनको सीधे लिख सकते हैं और चाहे उनको चार पंक्तियों में हम लिख सकते हैं, लेकिन होंगे चार चरण। तो ये आर्य छंद कहता है यशा पादे पद, पादे का मतलब चरण, एक दो तीन चार। तो जिसके पहले चरण में यानी कि पहली लाइन में द्वादश मात्रा, कितनी मात्राएं हो, बारह। तथा तृतीय भी और तीसरे में भी उसी प्रकार, अर्थात तीसरे में भी कितनी हो, बारह मात्राएं। अष्टादश तृतीय, दूसरे में कितनी हो, अठारह। और चतुर्थ के और चौथे चरण में कितनी हो, पंचदश। उसे आर्य छंद कहते हैं। कहने का मतलब है जिस भी श्लोक जिस भी छंद के अंदर चार चरणों के अंदर मात्राओं की व्यवस्था इस प्रकार से होगी, यदि पहले चरण और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होंगी, दूसरे में 18 और चौथे के अंदर 15, तो उस श्लोक के अंदर आर्य छंद होगा। में भी जिस श्लोक के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं,
द्वितीय में 18 तथा चतुर्थ में 15 मात्राएं होती है, वह आर्य छंद होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। क्या साकुतलम का श्लोक है, आपरितुषात विभूषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत। मात्राएं लगाएंगे इसके, देखिए पहले चरण में दो दीर्घ मात्रा जो होती है उसको दो गिनेंगे और लघु मात्रा को हम एक गिनेंगे। तो दो एक तीन, तीन एक चार, चार दो छः, छः दो आठ, आठ दो दस, दस दो बारह। यानी कि पहले चरण के अंदर इसमें कितनी मात्राएं, तीसरे में देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच और दो सात, सात और एक आठ, आठ और दो दस और दस दो बारह। इसमें भी कुल कितनी मात्राएं हैं, बारह मात्राएं। यानी कि पहले और तीसरे चरण में कुल बारह मात्राएं, और दूसरे चरण में देखते हैं दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और दो छह, छह और दो आठ, आठ और दो दस, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार दो छह, छह और दो आठ, आठ और एक नौ, नौ और एक दस, दस और आठ अठारह। चौथे चरण में देखिए चार दो छः, दो आठ, आठ एक नौ, नौ छः पंद्रह। जो हमने लक्षण पढ़ा था वो पूरी तरह इसके अंदर घटित हो रहा है। पहले और तीसरे चरण में बारह मात्राएं, दूसरे में अठारह और चौथे के अंदर पंद्रह। तो इस प्रकार से ये आर्य छंद का उदाहरण हुआ। अब आपके परीक्षा में इसमें कैसा प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो आपसे लक्षण पूछ सकते हैं कि आर्य छंद का लक्षण बताइए, या उसका उदाहरण पूछ सकते हैं इसका उदाहरण बताइए, या आपको एक कोई भी पंक्ति देकर के पूछ सकते हैं कि इसमें छंद कौन सा है, पहले चरण में या तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, लघु उत्तरात्मक अति लघु उत्तरात्मक में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आगे के छंद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।